वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक और वीडियो के साथ पता करते हैं कि क्या डिफरेंस है रिजर्व एंड कैपिटल, और कैपिटल रिजर्व में क्या फर्क है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। आते हैं किस तरह से पता करेंगे इसको। बेसिस क्रिएशन ऑप्शनल रिजोल्यूशन राइट ऑफ डिस्क्लोजर, यानी किस बेसिस पर हम इनका डिफरेंस पता करेंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे इसको। ठीक है, ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, रिजोल्यूशन पास करना है कि नहीं, रिजोल्यूशन पास करना होता है कि नहीं, बता सकते हैं। राइट ऑफ कैपिटल लॉस, क्या इसको कैपिटल लॉस से कर सकते हैं कि नहीं, और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब कहां पे शो होगा। तो पहला पता करते हैं रिजर्व कैपिटल, रिजर्व आरसी यानी रिजर्व कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। वाइंडिंग ऑफ मतलब होता है जब कंपनी बंद करने की बात कर रहे होते हैं, उस टाइम इस मनी को हम कॉल करते हैं। एक एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर 1 लाख इक्विटी शेयर है और एक का रेट 10 रुपया है, तो 3 रुपये हम कहते हैं कि हम रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं कि जब हम कंपनी क्लोज करेंगे उस टाइम हम एक पैसा मांगेंगे। तो ये जो 3 रुपये है ये हो गया रिजर्व कैपिटल में। तो हमारे पास कितना है, 1 लाख शेयर है, 3 रुपये रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, यानी यहाँ पे 3 लाख रुपये हमने रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और 7 रुपये जो है वो हमने पैसा मांग लिया। ठीक है, इट इज एन अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब ये कैपिटल कॉल नहीं किया गया है, तो इसको हम अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल, ये मैंडेटरी नहीं है कि रिजर्व कैपिटल हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप रखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिजर्व कैपिटल, इसमें एक आपको स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती है कि आप रिजर्व कैपिटल कितना रखना चाहते हो। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉसेज जो होता है उसमें इन रिजर्व को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब ये शो कहाँ होगा। इट इज नॉट डिस्क्लोज दैट इज शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट, इसको कंपनी बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिजर्व है, तो रिजर्व में क्या करेंगे। फिर भी अगर दिखाते हैं तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, यानी सब्सक्राइब तो कर लिया फुली पेड नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि 10 में से 3 रुपये हमने रख लिया रिजर्व के लिए, रिजर्व कैपिटल, और 7 रुपये कॉल कर लिया। अब देखते हैं कैपिटल रिजर्व क्या होता है, सीआर। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा आरसी शॉर्ट में, यहाँ पे सीआर यानी कैपिटल रिजर्व। किस बेसिस पे, इट इज दैट पार्ट ऑफ द रिजर्व व्हिच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज डिविडेंड, मतलब इसको जो है हम डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ द रिजर्व व्हिच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्रिएशन, इसका क्रिएशन किस तरह के होते हैं। इट इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसमें से इसका क्रिएशन होता है। इट इज अप्रोप्रिएट टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल प्रॉफिट आता है उसको आप कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में ट्रांसफर करके रख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, नो रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि आपको रिजर्व कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं राइट ऑफ कैपिटल लॉस, इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस, इसमें आप कैपिटल लॉस के लिए राइट ऑफ कर सकते हैं इसमें। अब आता है कि डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब इसको कहां शो करते हैं। इट इज डिस्क्लोज दैट इज शोन इन द नोट टू अकाउंट्स ऑन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड जो होता है उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम इसको शो करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या डिफरेंस है रिजर्व कैपिटल में और कैपिटल रिजर्व में। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि दोनों जगह रिजर्व वर्ड पड़ा है तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लियर कर लिया रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।